अच्छा, कितना क्यूट लग रहा है ना ये, कैसा लग रहा है आपको ये बताओ, तरीके का लुक आएगा। हो चुके हैं हमारे वड़ा पाव रेडी। देखो अंदर से चीज दिख रही है आपको, ये तो लाल किला रामलीला मैदान में बहुत बड़ा मेला लगा है, बहुत लंदन तक हमारी वीडियो जा रही है, तो दिल से थैंक यू। वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हो आप सब, होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम सब एकदम ठीक है। बहुत ही प्यारी सी मेरी मॉर्निंग हो चुकी है, मॉर्निंग वाली गुड मॉर्निंग आपको मेरी ओर से। अभी अभी जस्ट मैं उठी हूँ और 3-4 दिन से लगातार कंटिन्यू, मतलब मेरा आना जाना, कभी हॉस्पिटल कभी मार्केट, और मतलब शॉपिंग वगैरह करवाना, क्योंकि हमारे घर में आए हुए थे गेस्ट और उनके यहाँ है शादी, तो इसीलिए मुझे जाना पड़ रहा था। तो बिल्कुल भी मुझे व्लॉगिंग का टाइम नहीं मिला है। आई नो ये व्लॉग बहुत ज़्यादा टाइम बाद आएगा, बिकॉज आज मैं बनाना शुरू कर रही हूँ, तो आज भी बहुत सारा काम है मुझे, तो मुझे 1-to-1 सारे काम निपटाने हैं। तो मॉर्निंग से हम शुरुआत करते हैं आज की व्लॉग की। तो आज की प्यारी सी मॉर्निंग मैंने आपके साथ शुरू करी है, और ब्रेकफास्ट के लिए आज मैंने लिए हैं ये बिस्किट गेहूँ वाले, और दिया है दूध। फाइनली सारी साफ सफाई हो गई, देख सकते हैं ऊपर की भी और नीचे की भी, और वो वाले रूम में सैम भाई सो रहे हैं, बिकॉज सैम भाई की भी ठीक नहीं है, तबीयत खराब है, तो इसीलिए सारा काम मैंने जल्दी जल्दी कर लिया। और अभी मम्मी जो है क्या कर रहे हैं दिखाती हूँ, ठंडाई। मम्मी यहाँ पर बना रही हैं गेहूँ है भाई, एंड में ये रही, और लाइट नहीं आ रही है बिल्कुल भी, 2 से 3 घंटे हो चुके हैं लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो मेरे फ़ोन में ये वाले में बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, मैंने इतने फ़ोन एडजस्ट करके ये वाले फ़ोन का डेटा इसमें कवर करा, ओनली 10% बैटरी में मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड करी है। मतलब आप सोच सकते हो कि किस तरीके से मैंने कितनी मेहनत करके एक वीडियो अपलोड करी है, जब लाइट भागी हुई होती है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, प्लस इसके अंदर बैटरी नहीं थी, प्लस नेट नहीं था, इसके अंदर का फ़ोन का जो डेटा वाला होता है ना वो नेट ओपन करा डेटा, और उससे वाईफाई हॉटस्पॉट कनेक्ट करके जब जाके मैंने वीडियो अपलोड करी, तो फाइनली अब मैं सांस के अंदर सांस आई, देखो जरा 12:30 बजे तक हो गई मेरी वीडियो अपलोड। तो जिसने नहीं देखी शॉर्ट विजिट करो यार, शॉर्ट भी देखो और लॉन्ग वीडियोस तो ज़रूर देखा करो यार, और आपको किस तरीके की डेयर वीडियो बनाऊँ या नहीं वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। फिलहाल आज मुझे बहुत सारा काम है, मार्केट भी निकलना है, लेकिन उससे पहले अभी मुझे दोपहर का खाना बनाना है, बिकॉज मम्मी बना रही है गेहूँ, तो खाना तो फटाफट मुझे बनाना है और किचन का सारा समेटना भी है। चलो किचन में ही चलते हैं, वहीं कर लेंगे सब। चलो भैया अम्मी क्या बनाना है लंच में, काले वाले में से चावल ले, काले वाले चावल तहारी। चलो भाई फ्रेंड तहारी बना ले रहे हैं, और यहाँ पर देख लो अभी किचन के बर्तन भी नहीं धुले, बर्तन तो खैर थोड़े से ही है, ज़्यादा नहीं है, मैं 5 मिनट में सारे बर्तन एकदम साफ कर दूंगी। और यहाँ पर मैंने मसाला भी बना लिया है, ये रहा मसाला, और ये हमने रात को बनाया था आलू टमाटर की सब्जी, तो यहाँ पर ये वाली सब्जी मैं इसके अंदर डाल दूंगी, क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर आलू हैं, तो हम यही करते हैं, जैसे अगर आलू मटर कीमा बनाते हैं तो वो भी डाल देते हैं, या फिर कीमा बनाते हैं आलू कीमा वो डाल देते हैं, आलू डाल देते हैं, तो इससे ना यूज़ कर लेना चाहिए, इसे चावल में बनाकर खाओ बहुत ही ज़्यादा यमी बनता है, टेस्टी बनता है सच में। चलो मैं बनाऊँ इसी तरीके से, जब ये भुन जाएगा पूरा मसाला आलू के साथ। इतनी देर में मैंने यहाँ पर बर्तन थोड़े साबुन लगा लिया, सारे बर्तन पर बस धोना है किसी तरीके से। एक मिनट, सो गाइस किसी तरीके से मैंने यहाँ पर फ़ोन सेटअप करा है बर्तन धोने के लिए, जल्दी से फ़ोन पे पानी जाएगा, जल्दी में वॉश कर लेती हूँ, ठीक है। देख लो कितना एडजस्ट करना पड़ता है मुझे, पहले फ़ोन लगाओ फिर वो करो, मेरा तो फेस भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। सारे बर्तन जो हैं वो ऑलमोस्ट साफ हो चुके हैं, और यहाँ पर हमारी जो तहारी है वो भी मैंने रख दी है, सीटी आने वाली है, देख सकते हैं। अब मैं जा रही हूँ चेंज करने के, हमारा जो है लंच रेडी हो चुका है, देख सकते हैं तहारी हमारी, ये है रायता अचार, और ये है सैम भाई खा रहे हैं। अच्छा भैया, तो फ्रेंड्स अभी मैंने प्याज की चटनी नहीं बनाई है, वो और बना रही थी सैलेड। हो चुकी हूँ मैं रेडी मार्केट जाने के लिए, मैंने पापा को बाय बोला और मैं निकल गई मार्केट के लिए, एंड यहाँ पर मैं एंट्री करते के साथ मैंने सबसे पहले हलीमा की स्वेटर लिया।
घर पे सारा सामान लेकर दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या लेकर आए, क्योंकि इतनी लाइट तो आ ही रही है हमारे यहाँ बाहर से। खुला होने का घर यही फायदा होता है कि लाइट आती ही रहती है। तो गाइस मैंने कैमरा सेट कर दिया है और इसके अंदर में क्या रहेंगे, सबसे पहले मैं अपने चुन्नू मुन्नू का दिखा देती हूँ हलीमा का। तो हलीमा के लिए है ये, देख सकते हो आप, क्यूट सा, कितना क्यूट लग रहा है ना ये, कैसा लग रहा है आपको ये बताओ नीचे कमेंट में। इतना क्यूट सा है ये, बहुत ज्यादा। बाबा कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। और ये भी लटका हुआ है इस पे फ्रेंड, ये देखो बहुत ही ज्यादा प्रिटी और क्यूट सा लग रहा था, पहनने के बाद बहुत अच्छी लगी। ये है ये, तो ये मैं मम्मी को दिखा रही हूँ, ठीक है। ये जो हमारी ब्राइड का सूट है ये हमने कलेक्शन से लिया है, ये JK2 कलेक्शन है, ये JK2 ये देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से है, सही है सही। बहुत ज्यादा बहुत भारी है ये, इसका बॉटम भी कड़ा हुआ है और ये भी कड़ा हुआ है, अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा है फ्रेंड्स। ये ऐसे ही देख लो, क्योंकि खोलूंगी ना फिर वो हो जाएगा, कड़ा हुआ है ये काफी, ठीक है अम्मी जी। फिटिंग करवाई होगी, हाँ फिटिंग करवाई थी, साइज दे दिया था फातिमा का उस दिन, हाँ रात को 10 बज गए थे फ्रेंड्स, वैसे कुछ भी शूट नहीं कर पाई मैं कुछ भी, क्योंकि मेरे फोन में बैटरी भी नहीं थी। सुबह गई हॉस्पिटल, फिर वहां से आते फिर मार्केट चले गए, फिर रात को 10 बज आए। फ्रेंड्स देखो ये जींस लेकर आई हूँ, पता चलेगा बाहर, अब देखो चुपके से, ये देखो मतलब ये बहुत ही ज्यादा, इसका कलर बहुत ही ज्यादा अच्छा है फ्रेंड्स, और इसका फैब्रिक भी बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे ये देखते ही पसंद आ गई। सेकंड है मेरी ये वाली पैंट, ये देखो नीचे से ये वाली है बॉटम है इसका, और ये भी स्ट्रेचेबल है वाली पैंट, मैंने ट्राई करके देखी है, ये कुछ इस तरीके से आ रही है और ये बिल्कुल ठीक है, बिना बेल्ट के भी और बेल्ट लगा के भी हम लोग इसे पहन सकते हैं एज अ टॉप पे, या फिर कोई भी शॉर्ट कुर्ती या फिर लॉन्ग कुर्ती पे भी हम इसे डाल सकते हैं, और नीचे से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, और इसका फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब थोड़ी सी और ज़्यादा फैटी अगर मैं हो जाऊँगी तो भी ये वाली जीन्स मेरे आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता है ये वाला जो उसने जीन्स दी थी ना, ये बहुत ही अच्छी जीन्स है फ्रेंड्स, इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये मेरे आई नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल नहीं है, जो स्ट्रेचेबल है ना जीन्स वो तो मेरे आ गई, लेकिन ये नहीं आई। तो ये इस तरीके का लुक आएगा पूरा, देख सकते हैं इस जीन्स का, बहुत ही ज्यादा अच्छी जीन्स है, बहुत ही प्रीटी जीन्स है, और नीचे से भी बहुत प्यारा लुक है इसका। फ्रेंड्स तो आज मैं जा रही हूँ फटाफट से पाव लेकर, इतने में मॉल गई थी, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ वड़ा पाव फिर से एक बार, लेकिन उसकी रेसिपी इस बार मैं आपको ये वाली वीडियो में, इट मीन्स लॉन्ग वीडियो में, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पिछली बार मैंने लास्ट टाइम करी थी शॉर्ट में, लेकिन आपको वो सही से समझ में नहीं आई थी, बहुत सारे लोगों के कॉमेंट आए थे, तो अब मैं डिटेल में बताऊंगी आपको कि हम वड़ा पाव घर में मुंबई स्टाइल का दिल्ली में या कोलकाता में आप बनाकर खा सकते हो, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो, हम तो बेसिकली दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं, तो इसलिए दिल्ली में तो वड़ा पाव मिलता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग घर में किस तरीके से बना सकते हैं, आसान से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हर घर में अवेलेबल होते हैं, तो सब लोग बना सकते हैं, तो बनाओ खाओ, रेसिपी शेयर कर रही हूँ, देखो व्लॉग में बने रहो, तो चलिए चलते हैं किचन में, लेट्स गो। गाइस अभी ना मैंने बहुत ही अच्छी बहुत ही मज़ेदार सी एक रील बनाई है, जो कि मतलब आपको देखने के लिए मिलेगी, और यही वाला लुक मुझे देखने के लिए मिलेगा आपको, तो उसके लिए मुझे देखो कितनी मेहनत करना पड़ी है, मतलब 15 से 20 मिनट हो गए एक शॉर्ट को क्रिएट करने में। ये देखो ये लगाना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर गोरिल्ला पॉट लेती तो वो छोटा था, ट्राईपॉट लेती तो वो इससे भी ऊपर है, तो इसलिए मैंने देखो नमक का डिब्बा, उसके नीचे चीनी का डिब्बा, और कप लगाया, जब जाके फ़ोन को टिकाया, और फिर मैंने वीडियो शूट करी है, तो देख लो कितनी मेहनत होती है। तो ये चीज़ मैं दिखा रही हूँ कि वीडियो बनाना भी आसान बात नहीं है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत स्ट्रगल है, हर चीज़ में स्ट्रगल है वैसे तो कोई भी इसे आसान ना समझे। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं अपना वड़ा पाव बनाने के लिए, उसके लिए मैंने रेडी कर लिया अपने आलू बॉयल कर और इसको अच्छी तरीके से मैंने मैश कर लिया है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जो है आलू ऐड कर दिया है जीरे का तड़का लगाने के बाद, बस और कुछ नहीं डाला है, थोड़ा सा इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे हम, ठीक है। तो ये ऐड कर देंगे हम इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, तो देख सकते हैं इस तरीके से हमें इसे भूनना है बहुत ही अच्छी तरह से। बेसन की कोटनी करने के लिए बेसन में थोड़ा सा नमक, रेड चिली पाउडर डालेंगे, कसूरी मेथी डालेंगे, थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से शेक कर लेंगे। यहाँ पर चीज भी निकाल ली है, ये रही, तो फटाफट से जितनी हमें चाहिए उतनी लेंगे और फिलिंग के अंदर फिल करते हैं, और पोटैटो फ्राइड आलू इसको लेंगे हम, देखते हैं ठंडा हो गया, हाँ जी हो गया, 3 बड़ा पाव, ठीक है। तो 3 हम कैसे करेंगे, देखो ऐसे गोला बना लेना है आपको आलू को उठा के बेसिकली, और इसके अंदर एक होल करना है इस तरह से, और होल करके ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ इसके अंदर भर देंगे,
और इसको फिर से गोला बना लेना है इसका, कवर करके इसको, चीज़ को अंदर कर दिया हमने और इसको कर दिया कवर, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। बस इस तरीके से आपको करना है और गोला बना लेना है, ठीक है, ऐसी बॉल टाइप, यू नो, बेसन देख सकते हैं, और बेसन में अच्छे से डिप करना है और फिर आपको फ्राई डालना है। देखते हैं हमारे जो पाव हैं वो बन रहे हैं, मुझे सिर्फ तीन ही बनाने थे और काफ़ी बड़े बड़े हैं ये भी साइज में। सो गाइस पाव हमारे ये रहे, जल्दी का फटाफट तो ये रहे अपने के पाव, एकदम फ्रेश फ्रेश। पाव को पीसेस करके अलग और बटर में इसको अच्छी तरीके से फ्राई करना है, कुछ इस तरीके से। फाइनली गाइस हो चुके हैं हमारे वड़ा पाव रेडी, देख सकते हैं आप, और अभी इसका फ्लेवर देखना फ्रेंड, देखो अंदर से चीज़ दिख रही है आपको, इसमें भी चीज़ है, सब में चीज़ है, सारे चीज़ वाले, और ये मिर्ची मैंने फ्राई कर ली थी। तो पावा बताना, ये है चीज़ी वड़ा पाव। खाओ और बताओ कैसा है वड़ा पाव। आप जरूर ट्राई करना, बहुत ही ज्यादा यम्मी है, बहुत टेस्टी है, और इसके साथ में खा रही हूँ मिर्ची है, मिर्ची को फ्राई कर लोगे ना आप फिर ये देख ही नहीं होगी। खाओ गरम गरम। अरे अम्मी को गरम गरम हो गया, लेकिन चीज खींच रही है ना अम्मी, अच्छा लग रहा है चीज यार फ्रेंड, चीज बहुत अच्छी है वाली, सीरियसली है ना। हाँ ये खाओ पापा, बहुत मजे की, बहुत टेस्टी होती है। ये देखो फ्रेंड पापा को भी चीज खींचती हुई मिली है, यही तो होता है रेस्टोरेंट में, हम क्यों जाते हैं ऐसी वाली चीज खाने ही जाते हैं। पिज्जा भी बनाऊंगी, शेयर करूंगी रेसिपी आपके साथ, ठीक है, पिज्जा बनाऊंगी अब मैं, कि मैंने नमाज वगैरह पढ़ ली है। पापा लेकर आए थे गुलाब जामुन, देखो दादा यार कितने अच्छे और कितने रसीले लग रहे हैं, मुंह में पानी आ रहा सीरियसली से देख। अमेजिंग, बहुत ही ज्यादा यम्मी हो रहा है सीरियसली, गुलाब जामुन मेरे फेवरेट है फ्रेंड। खाना भी खा लिया है और यहाँ पर रखी हुई है मेरी चाय, देख सकते हैं ये रही मेरी चाय। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से आप पहले क्वेश्चन आंसर पिकअप कर लेती हूँ आप लोगों के, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मतलब रॉन्ग कमेंट करते हैं, उन्हें पता वता कुछ होता नहीं है और फालतू के कमेंट करते रहते हैं। मैं सभी लोगों को नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नए आए हैं हमारे चैनल पर, और आते ही मतलब उनका ये काम होता है कि आके खुद तो कुछ करते नहीं है, बस दूसरा बंदा जो कर रहा है उसे डीमोटिवेट करते चलते हैं। तो उन लोगों को भी बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी बहुत सारे इतने अच्छे लोग हैं जो लोग प्यार से सपोर्ट करते हैं और मोटिवेट करते हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है सीरियसली। बस आपके इसी मोटिवेशन की मुझे जरूरत है और आपका यही मोटिवेशन मुझे बहुत आगे तक लेके जाएगा इंशाल्लाह। हमें सबसे पहले अल्लाह पर भरोसा है, उसके बाद अपनी मेहनत पर। पहले दीक्षा की मस्ती खाना का प्यार, मेरे सारे व्लॉग चाहे मेरी शॉर्ट हो चाहे मेरे लॉन्ग वीडियोस हो, ये मेरी सारी वीडियोस को देखती हैं, तो थैंक यू सो मच। और आप बहुत ही ज्यादा प्रीटी हैं, आप मतलब इतने अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट कमेंट करती हैं। तो इन्होंने कुछ कमेंट तो ये कमेंट इन्होंने करे थे, लेकिन उस पर मैंने हार्ट दे दिया था। हाँ ये रहे इनके कमेंट, ये लोग हार्ट दे देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती है, तो थैंक यू सो मच आप लोगों की, मेरी तरफ से आपके लिए भी हार्ट। मैंने एक मिनी व्लॉग डाला था, तो उसके अंदर ना मैंने यहाँ पर दिन का डिनर कब बनाती हूँ मैम, मैं पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि दिन में डिनर नहीं होता, दिन में होता है लंच, रात को एक ही बार होता है डिनर। तो इस व्लॉग में ना मैंने क्या करा था, जो ये वाला शॉर्ट वीडियो को कमेंट पढ़ी हूँ इसके अंदर ना मैंने लंच का स्किप कर दिया था, बिकॉज मैंने कपड़े धोए थे ना, बारिश भी आ गई थी, फिर लंच मैंने स्किप कर दिया था, मतलब कर तो लिया था लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो वो चीज़ हो गई थी मेरे इसके अंदर, ठीक है। तो ये लिखा है इन्होंने @user_HM, कोई फेक आईडी है ये, तो इन्होंने लिखा है, ये देखो ये रहे इन्होंने लिखा है, तो मैंने आपको साथ साथ कमेंट दिखा भी दिया। @Zeba हसन मुझे कमेंट करी है, पता नहीं कोई फेक आईडी है या नॉर्मल है, आई डोंट नो, पता नहीं कौन है। तो उन्होंने मुझे कमेंट किया है, बुरा मत मानना मुस्लिम लड़कियों को, ये व्लॉग करना हराम है सिस्टर, पर्दा करना चाहिए। तो यार इस दुनिया में बहुत सारी लोग हैं, बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, सभी वीडियोस बनाते हैं, और मैं ये नहीं कह रही कि सब बनाते हैं तो मैं बनाती हूँ, मेरा शौक है, मेरी मतलब मैं नहीं वीडियोस बनाती तो पता नहीं क्या ही क्या होने लगता है, तो इस वजह से मुझे मतलब मेरा एक शौक है और मैं इसे करना चाहती हूँ और आगे भी करती रहूंगी और अभी भी करती रहूंगी। और आप लोग कोई नहीं होते मुझे ये बोलने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं जानती हूँ इसके अंदर कि मैं क्या करूँगी, ठीक है, और मैं ये क्यों कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये करना, बस मुझे इस बात का वो है, बाकी आप लोग कुछ भी बोलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं ब्लॉग बनाऊंगी, लाऊंगी, डेली लाऊंगी, ठीक है,
बाकी बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं सैम भाई पर और प्रैंक करिए आप। एट खान खान ये बोल रहे हैं सलाम वालेकुम, तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, आपका सलाम मैंने ले लिया। नेक्स्ट कमेंट है एट रहमत अली का, ये लिखते हैं नाइस वीडियो, लव फ्रॉम असम, बिग फैन। तो इन्होंने ये लिखा है थैंक यू सो मच, आप लोग हमें असम से भी देखते हैं, जम्मू कश्मीर से भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं प्यार करने वाले, तो सब लोगों का साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसे ही साथ अपना बनाए रखना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बना दे रहा हूँ। और बहुत सारे लोगों ने लिखा है हैप्पी नवरात्रि, तो नवरात्रि चल रहे हैं, आप सब लोगों को भी मेरी ओर से हैप्पी नवरात्रि। मैं मोमडन हूँ, अब कुछ लोग यही कमेंट कर देंगे कि आप लोग मोमडन हो, आप क्यों बोल रही हो, तो यार बोलना कोई गुनाह थोड़ी है, ये बताओ किसी की खुशी में, किसी के त्यौहार में खुशियाँ बनाने में कुछ हो रहा है, या हमारा धर्म मना कर रहा है कि हम ये ना मनाएं या कुछ ना बनाएं, तो ये सारी बातें ना बहुत बुरी लगती हैं। तो एज अ पॉजिटिव माइंड है मेरा, और पॉजिटिव ही हूँ मैं, और पॉजिटिव लोगों के साथ रहती हूँ, इसीलिए मुझे पूरा पक्का यकीन है कि आप लोग इसे गलत नहीं लेंगे। तो सब लोगों को सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि, और दशहरा भी आने वाला है, हैप्पी दशहरा। तो यहाँ पर हमारे घर के पास ना मेला लगा हुआ है, वहाँ पर लाल किले में, ठीक है, तो ये हमारे घर के पास ही है, तो लाल किला रामलीला मैदान में बहुत बड़ा मेला लगा है, बहुत ज़्यादा। कल मैं एक्चुअली गई थी ना, वो शॉर्ट में दिखाऊंगी क्योंकि मैंने उसकी शॉर्ट बनाई है, तो वो मैं दिखाऊंगी, लेकिन मेले के अंदर नहीं गई, बाहर से ही सिर्फ मैंने शूट करा है। तो जो लोग कॉमेंट करेंगे ना मुझे कि मैं मतलब मेले में जाऊं, मैं मेले जाऊं और आपके लिए व्लॉग लेकर आऊं, तो पक्का मैं लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए व्लॉग, तो फटाफट कमेंट कर देना जिसको भी चाहिए। नाइस वीडियो, आई एम फ्रॉम लंदन, थैंक यू सो मच, लंदन तक हमारी वीडियोस जा रही है, तो दिल से थैंक यू, सीरियसली आप लोगों का बस यही सपोर्ट चाहिए। तो आप इसी कॉमेंट मैंने आज बहुत सारे पढ़ दिए, ठीक है, और किसी भी लोगों को इतना हेट नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, क्योंकि आप भी एक इंसान हो, चाहे आप लड़के हो, चाहे लड़की हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, तो किसी को भी हमेशा, अगर तुम कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते उसके लिए, सब कुछ वो इंसान कर रहा है, वीडियोस बना रहा है, अपलोड कर रहा है, बहुत मेहनत लगती है इस सब चीज़ों के लिए, तो किसी को भी अगर आप मोटिवेट नहीं कर सकते, तो डीमोटिवेट करने का भी कोई हक नहीं है, आपको कोई राइट नहीं है, तो प्लीज़ किसी को भी ऐसा ना करा करें, ठीक है। अगर आप लोग भी दूसरों के बारे में अच्छा बोलेंगे ना, तो 10 लोग आपको, लोगों को भी अच्छा बोलेंगे, तो इसीलिए अच्छे रहो और खुश रहो और रहने दो दूसरों को, ठीक है, इतनी नेगेटिविटी नहीं फैलाओ, ताकि सब लोग ठीक रहें। अब इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ, आई होप ये व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।